अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है आपके पास। अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, पावर्स भी हैं, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद जो आपके पास वैल्यू है 27, इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 3, और जो आपके पास पावर है 1/3 वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब 60 का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में। 2 की पावर 2, 3 आपके पास वन टाइम आया है और 5 भी वन टाइम है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे और पावर लिख देंगे 1/2। 180 का एलसीएम ले लेंगे हम। 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 9s are 45, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास 2 है वो 2 टाइम आया और 3 2 टाइम आया है, तो पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5, और जो होल पावर है 1/2 वो लिख देंगे एज इट इज़। और 4 का हमें पता है कि 2 की पावर आपके पास 2 हो तो वो 4 हो जाता है -1/3, और 9 में आपके पास 3 की पावर 2 हो और 1/4। अब यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन के सबके एलसीएम फाइंड आउट कर लिए, अब हम इनको इनकी पावर्स के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 1/3 एज इट इज़, 3 3 multiply 1/3, 2 की पावर 2 multiply 1/2, 3 1/2, 5 1/2, क्योंकि सबकी जो इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं उन सबकी पावर जो है वो 1/2 ही है। टू की पावर 2 है आपके पास multiply 1/2, 3 2 multiply 1/2, 5 1/2, 2 की पावर 2 है multiply -1/3, 3 की पावर आपके पास स्क्वायर है multiply 1/4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कैंसिल हो सकती हैं, जैसे 2 1/3 ये आपके पास इम्पॉसिबल है कि आप इसको कैंसिल कर सकें, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 1/3, 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग आपके पास 3 रह जाएगा, 2 की पावर इस 2 से कैंसिल हो जाएगी तो 2 आ गया। अब 3 के साथ 1/2 है, इसकी कोई पावर नहीं थी तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 1/2, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 2 से कैंसिल हो गई तो रिमेनिंग आपके पास 2 रह गया, 3 की भी पावर्स कैंसिल हो गई तो रिमेनिंग 3, 5 उसकी पावर अगेन एज इट इज़ 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है आप देखें तो 2 की पावर जो है ये 1 के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी कटिंग जो है वो नहीं हो सकती, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर -2/3, कटिंग कर देंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 1/2, ठीक है, कटिंग होगी ना, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो अपने इफ़ेक्ट की वजह से कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये देखें ये 3 है, इस 3 से कैंसिल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस तरह से हुआ कि ये जो 3 है ये आपके पास पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अपने इफेक्ट से कैंसिल हो रही है। 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1/2 इस 5 by 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह गई वैल्यू, 2 1/3 और 2 -2/3। अब हम इनको ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 1/3, तो ये वैल्यू जो है आपके पास ओवर में माइनस में थी, तो जो इसका इफेक्ट कैंसिल करेंगे जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3। 2 यहाँ पर आपके पास 3 कॉमन आ गया,
टू को थ्री में ऐड करेंगे तो थ्री हो जाएगा, ये क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू रह गई टू। तो ये हमारा आंसर है टू।